कोनिशिवा मीनासान। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मीना और निहंगो चैप्टर थर्ड जो है उसके सारे ग्रामर पैटर्न्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो डाली है आप सभी लोगों ने उसको पढ़ा होगा और उसको करा होगा अच्छे से, और आई होप कि आपको वो अच्छे से समझ में भी आई होंगी। तो आज हम इस थर्ड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके पैटर्न्स क्या हैं, किस तरीके से हैं। मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि मैं जितना भी ईजिएस्ट वे है उसमें आपको समझाऊँ। लेकिन वीडियो की तरफ आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो चैनल पर आएँ, यूट्यूब चैनल पर आएँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे अपनी वीडियो की तरफ। तो आज की इस चैप्टर थर्ड लेसन थ्री जो है मीना निहंगो का, उसका जो फर्स्ट पैटर्न है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत क्लियरली मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करके दिखाया है, लिख करके दिखाया है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कोको सोको असोको देन कोचिरा सोचिरा आचिरा। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि भाई पहले आप वोकैब पढ़ें, उसके बाद ही आप चैप्टर के पैटर्न सीखें, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। तो चलिए, कोको का मतलब क्या होता है, सोको का मतलब क्या होता है, असोको का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। कोको का मतलब होता है, आप इसे समझ सकते हैं हेयर, सोको होता है आपका देयर, एंड असोको भी देयर होता है, लेकिन ये ओवर देयर की केस, ओवर देयर की तरह यूज़ होता है। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने कोरे सोरे अरे कोनो सोनो अनो पैटर्न वाली जो एक्सरसाइज की थी ना, अभी लास्ट सेकेंड चैप्टर किया था, तो उसमें जैसे कोरे सोरे अरे का यूज़ था, कोनो सोनो अनो का यूज़ था, सेम उसी तरीके से यहाँ पर कोको सोको असोको का यूज़ है। हिंदी में ये वो वहाँ, अब इस चैप्टर में स्पेशली हम पढ़ रहे हैं स्पेस के लिए, यानी कि जब भी हम बात करते हैं किसी प्लेस के लिए, तो प्लेस के केस में हम हमेशा ये वाले पैटर्न्स यूज़ करते हैं जापनीज लैंग्वेज में, कोको सोको असोको दोको। तो चलिए देखते हैं हम इसको किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, पहले आपको सिर्फ मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ कोको सोको असोको क्या है, किस तरीके से सेंटेंस बनेंगे वो सारी चीज़। कोको का मतलब मैंने आपको बताया अभी हेयर, सोको का मतलब मैंने आपको बताया अभी देयर, असो का मतलब ओवर देयर। ये बिल्कुल सिमिलर है कोरे सोरे अरे के, जैसे कोरे सोरे अरे में कोरे मैं स्पीकर हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो कोरे सामने वाला सुन रहा है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, वो वहाँ पर सोरे यूज़ करते थे। और उसके बाद जब हम किसी थर्ड चीज़ जो हम दोनों से दूर है तो हम उसके लिए अरे यूज़ कर रहे थे, राइट। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी कोको सोको असोको यूज़ करते हैं। कोको होता है नियर बाय स्पीकर के, एंड सोको होता है लिसनर के नियर बाय, एंड असोको होता है दोनों से दूर, राइट। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला जो सेंटेंस इसके अंदर है वो दे रखा है कोकोवा ओते आर आई दिस, कोकोवा ओते आर आई दिस। कोको का मतलब होता है हेयर, वा एक पार्टिकल है जो मैंने आपको बताया, ओते आर आई होता है रेस्ट रूम या टॉयलेट भी बोल सकते हैं इसे, एंड दिस जो होता है सेंटेंस को ख़त्म करने के लिए ये दिस हम हमेशा लगाते हैं। तो यहाँ मैंने जापानीज में भी लिखा है कोकोवा ओते आर आई दिस, इसका मतलब क्या हुआ, हेयर इज़ अ टॉयलेट, यहाँ पर वॉशरूम है, राइट। जब हम किसी को बताते हैं तो उस केस में हम बताएंगे सिंपली कि यहाँ पर वॉशरूम है, यहाँ पर टॉयलेट है, आप यहाँ जा सकते हैं, तो इस सेंस में हम इस तरीके से बताते हैं। एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव है, संकेत करते हुए हम बता रहे हैं, इशारा करते हुए कि भाई यहाँ पर ये वॉशरूम है, आप देख लीजिए। दूसरा है सोकोवा उकेत्सुके दिस, सोकोवा तो सोको का मतलब हो गया देयर, वा उकेत्सुके मतलब होता है रिसेप्शन। अब सोको का मतलब हो गया कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और जो रिसेप्शन डेस्क है वो थोड़ी दूर है, मतलब जो लिसनर है कोई मेरे से दूर खड़ा है, तो मैं उससे बोल रहा हूँ कि उकेत्सुके वो है वहाँ पर है, ठीक है, आपके जस्ट पीछे, सोकोवा उकेत्सुके दिस, समझ में आ गई बात। तो ये मेरे से थोड़ा दूर हो गया, लेकिन जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, उसके बिल्कुल पास में ही है, थोड़ी सी दूरी पर ही है, तो मैंने सोको लगाया, सोकोवा उकेत्सुके दिस, यानी कि जो रिसेप्शन है, रिसेप्शन डेस्क है, वो वहाँ पर है, ठीक है। थर्ड है असोको, असोकोवा सोकुदो दिस, वहाँ पर जो है कैंटीन है, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, और कैंटीन जो है वो थोड़ा दूर है, सपोज़ हम कॉलेज में या कहीं पे, और मैं अपने दोस्त को बता रहा हूँ, वो फर्स्ट टाइम कॉलेज आया है और उसे कैंटीन के बारे में नहीं पता है, वो मुझसे पूछ रहा है कैंटीन कहाँ है, तो हम थोड़ा दूर हैं कैंटीन से, तो हम इशारे में या फिर मैं उसे बता रहा हूँ डायरेक्शन में कि जो कैंटीन आपका वहाँ पर है, वो दिख रहा है वहाँ पर, एक टीन सी शेड सी डली हुई वहाँ पर है, तो वो चीज़ जो है, जो जगह है, वो हम दोनों से काफ़ी दूर है, इसलिए मैंने वहाँ पे असोको लगाया, असोको व शोकुदो दिस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये इसके अंदर कुछ भी लॉजिक नहीं है, अगर आपने कोरे सोरे अरे पैटर्न पढ़ा है कोनो सोनो अनो, तो ये बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर आपको एक और एडवांस चीज़ सीखने को मिलेगी, जो बिल्कुल है सिमिलर, बट आपको फ़र्क इनके अंदर दिखाई दे जाएगा साफ, वो ये रहा कोको सोको असोको, जो ये तीनों पैटर्न हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये थोड़ा इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल है प्लस इनपोलाइट है,
राइट इन सब चीज़ों का आप कब यूज़ कर सकते हो, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ तब यूज़ कर सकता हूँ, किसी से मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हूँ उससे मैं बात कर सकता हूँ, कोरे सोरे अरे इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर जगह पूछने के लिए दो को जो हम नीचे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ हम जिससे फैमिलियर हैं उससे हम पूछ सकते हैं। लेकिन कोचिरा सोचिरा अचिरा का मतलब क्या होता है, कोचिरा सोचिरा अचिरा बिल्कुल सेम है, कोको से कोचिरा बना, सोको से सोचिरा बना, असोको से अचिरा बना, ये है आपकी पोलाइट फॉर्म। पोलाइट फॉर्म का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, जब भी हम किसी न्यू पर्सन से बात करते हैं या फिर हम ये कह लें कि हम किसी कंपनी में जा रहे हैं, किसी जापनीज से बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो हमें हमेशा अपने दिमाग में यही रखना है कि हम उसे जितना पोलाइट वे में बात कर सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जापनीज बहुत ज़्यादा पोलाइटली बात करते हैं, वो अपने आप को हमेशा डाउन रखते हैं और सामने वाले को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो इसी तरीके से जापनीज़ के साथ कभी भी आप बात करो तो वहाँ प्लीज़ कोको सोको असोको ये चीज़ यूज़ मत करना, कोचिरा सोचिरा अचिरा एंड दोचिरा ये चीज़ यूज़ होती है, सेंस वही है दोनों चीज़ों का यूज़ करने का। मैंने ये बोला कोको वा ओते आराई देस, तो इसकी जगह पे मैं ये भी बोल सकता था कोचिरा वा ओते आराई देस। राइट, सपोज़ मैं किसी जापनीज़ के साथ जा रहा हूँ किसी कंपनी में प्लांट में, और वो जापनीज़ फर्स्ट टाइम आया है, उसे नहीं पता कि भाई वॉशरूम कहाँ है रेस्टरूम कहाँ है, तो मैं उसे बोल सकता हूँ सीमा सेन कोचिरा वा ओते आराई देस, ठीक है यहाँ पर रेस्ट रूम है, इस तरीके से। इंस्टेड ऑफ कि आप ये कोको वा ओते आराई देस की बजाय आप ये बोल सकते हो कोचिरा वा ओते आराई देस। समझ में आ गई, चलिए तो फिर चलते हैं आगे की ओर। तो बस इतना ध्यान रखना कोचिरा सोचिरा अचिरा जो है वो फॉर्मल वे होता है, पोलाइट वे होता है, बहुत आप विनम्रता से बात कर रहे हो, एंड कोको सोका सोका में थोड़ा सा वो रूड हो जाता है। फाइन, सेकंड आता है हमारा नाउन वन वा नाउन टू दिस। इस पैटर्न को बहुत ध्यान से समझिएगा, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ अगर आप उस तरीके से समझ रहे हो तो आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे ख़त्म हो जाएंगे, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ वो देखिए। नाउन वन वा नाउन टू, नाउन वन में आप किसी पर्सन को रख सकते हो, किसी प्लेस को रख सकते हो, किसी थिंग को रख सकते हो, यानी कि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप किसी जगह को रख सकते हो नाउन वन में, किसी व्यक्ति को रख सकते हो और किसी चीज़ को रख सकते हो, लेकिन जो आपका नाउन टू है वहाँ पर हमेशा जगह ही आएगी। राइट, वहाँ पर हमेशा जगह ही आएगी, प्लेस ही आएगा। अब कैसे आएगा ज़रा यूज़ करके देखना, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हेया वा असोको देस, मैंने यहाँ पर एक सिंपली वे में कहा, यहाँ पर मैंने सेंटेंस को उल्टा कर दिया, इन्हीं वाले सेंटेंस को उल्टा कर दिया, हेया वा असोको देस, यानी कि जो हेया है जो रूम है वो दूर है वहाँ पर है। राइट, सो द रूम इज़ देयर, अगर इंग्लिश में बताऊँ द रूम इज़ देयर, हेया वा असोको देस। तो अब इसके अंदर ये जो हो गया हेया जो हो गया वो नाउन वन हो गया, असोको नाउन टू, मैंने कहा था ना प्लेस होगा हमेशा नाउन टू, तो असोको वहाँ पर है तो वो प्लेस है ना, वो जगह है ना, इसलिए यहाँ पर नाउन टू में हमेशा प्लेस आएगा। अब हम प्लेस को रिमूव करके असोको जैसे कोको सोको असोको इन सब को हटा करके हम कोई पर्टिकुलर जगह का नाम भी बता सकते हैं, फ्लोर है इस फ्लोर पर है या वहाँ पर है इस बिल्डिंग में, इस तरीके से ही बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखना आप समझेंगे इससे अच्छे से, राहु सान व आताराशी बीरुदिस, बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि राहु सान व आताराशी बीरुदिस, ये सेंटेंस देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि राहुल सान जो है वो नई बिल्डिंग है, सेंटेंस का मतलब ये निकल रहा है, नहीं राहुल सान जो है वो नई बिल्डिंग बिल्कुल नहीं है भाई, ये पैटर्न ऐसा है। अब मैं वही चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, नाउन वन व नाउन टू दिस, यानी कि नाउन वन में राहुल सान आ गए, राहुल सान की एग्जिस्टेंस कहाँ पर है, वो कहाँ पर है इस वक्त, इस चीज़ को बताने के लिए हमने नाउन टू यानी कि प्लेस यूज़ किया है। ठीक है, आप बेसिकली इस सेंटेंस को कैसे बोलोगे, जैसे हम जनरली इंडियन जो होते हैं वो ज़्यादातर ये बोलते हैं राहुल सान व आताराशी बीरोनी इमास, ये आप आगे पढ़ोगे वो ज़्यादा अच्छा क्लेरिफाई करता है। लेकिन अगर आप ये भी बोलते हो कि राहुल सान व आताराशी बीरो दिस, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राहुल सान जो वो न्यू बिल्डिंग है, राहुल सान न्यू बिल्डिंग नहीं है, बल्कि राहुल सान जो है न्यू बिल्डिंग में है, ये इसका सेंस बनता है। ठीक है, राहुल सान व आताराशी बीरो दिस, तो राफुर सान जो है वो न्यू बिल्डिंग में है, इसका सेंस ये था। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, और मेरा कोई फ्रेंड है राहुल, मुझसे पूछे राहुल कहाँ है, तो भाई मैं कह दूँ जैसे कि मेरी कंपनी में अभी कोई नई बिल्डिंग बनी है, राहुल सान न्यू बिल्डिंग में गए हैं अभी वहाँ पर हैं, तो न्यू बिल्डिंग में है के लिए मैंने डायरेक्ट बोल दिया राहुल सान व आताराशी बीरुदिस। तो बिल्कुल दिमाग में कन्फ्यूजन मत करना कि आताराशी बीरुदिस का मतलब राहुल सान बिल्डिंग हो गए, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरा है कॉम्प्यूता व नीकाई दिस। ठीक है, अब नीकाई का मतलब क्या होता है, तो
तो मैंने कहा जापान में हर चीज़ को काउंट करने के लिए ना इनकी जो नंबर्स ऑफ काउंटिंग्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप अगर पेज पतली थिन चीज़ें अगर आप काउंट करोगे तो वहाँ माई लगता है, मशीन वाली चीज़ों को यूज़ करोगे तो दाई लगता है, इची दाई नी दाई सान दाई, तो जैसे इची माई नी माई साम माई। तो हर चीज़ को काउंट करने के लिए यहाँ पर काउंटिंग्स बिल्कुल अलग अलग हैं, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी। फ्लोर के केस में जब हम बात करें, जब हम फ्लोर बताते हैं तो वहाँ पे काई लगता है, इक काई नी काई सांग काई योंग काई गो काई रोक काई नाना काई सेवन्थ फ्लोर एट फ्लोर नाइन्थ फ्लोर टेंथ फ्लोर, तो काई का यूज़ होता है वहाँ पे, ठीक है। ये आप अपनी क्या नाम है ग्रामर वाली बुक में देख सकते हैं, वहाँ पर भी दे रखा है। तो कॉम्प्यूटा व नी काई दिस, तो कंप्यूटर जो है वो सेकेंड फ्लोर पर है। कई बार होता है हम कहीं जाते हैं, हम कहते हैं कि यार मुझे प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट कहाँ मशीन है, तो जैसे हम किसी अपार्टमेंट में बड़े तो हम कहते हैं, वहाँ पर हमें कोई बताया कि भाई सेकंड फ्लोर पे चले जाओ, वहाँ पर आपको जो प्रिंटिंग मशीन है वो मिल जाएगी। आप किसी कंपनी में हो या किसी ऑफिस में हो, वहाँ ढूंढ रहे हो कि यार कंप्यूटर है मुझे कुछ काम करना है, तो आपसे कोई कहे सेकंड फ्लोर पे आओ वहाँ चले जाइए, तो उसी सेंस में कंप्यूटा हुआ नीकाई दिस, ठीक है। तो नीकाई का मतलब सेकंड फ्लोर पर कंप्यूटर है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आपको आ गई है तो हम चलते हैं थर्ड पे। लेकिन मैं जाते थे फिर से बता देना चाहता हूँ आपको, यहाँ पर हमने असो को ऐसे टर्म्स यूज़ करें तो आप इनको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। हेया वा असोको की जगह अचीरा दिस भी बोल सकते हो, ये बहुत पोलाइट हो जाएगा, मतलब बहुत तमीज़ वाली चीज़ हो जाएगी, आपने बहुत तमीज़ से किसी को बताया। तो चलिए थर्ड पे चलते हैं, दोको एंड दोचीरा। जैसे कोको सोको असोको है और कोचीरा सोचीरा अचीरा है, बिल्कुल उसी तरीके से दोको और दोचीरा है। मुझे बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही गैस कर लिया होगा आपने कि दोको और दोचीरा में डिफरेंस क्या है। कुछ भी डिफरेंस नहीं है। दोको कोई प्लेस पूछने के लिए एक तरीके से क्वेश्चन वर्ड है। दोको का मतलब होता है वेयर, मैं आपके बहुत सिंपली बता रहा हूँ, वेयर इसका मतलब WHERE वेयर, यानी कि कहाँ, हिंदी में बोलेगा दोको कहाँ दोचीरा कहाँ। अभी फ़िलहाल ये बता रहा हूँ, आगे इसके कुछ एक दो मीनिंग और है वो आप आगे समझेंगे। तो जैसे अगर मुझे पूछना हो कि भाई ये चीज़ कहाँ है, तो उस केस में मैं दो को लगा सकता हूँ और दो चीरा भी लगा सकता हूँ। जैसे कि मैं कहीं गया किसी कॉलेज में गया, मुझे नहीं पता भाई वॉशरूम कहाँ पर है कॉलेज में, तो किसी से पूछूँ, गार्ड से पूछूँ किसी कि एक्सक्यूज मी कुड यू प्लीज़ टेल मी वेयर इज़ द वॉशरूम, तो उसी तरीके से आप पूछ सकते हो यहाँ पर भी जापनीज़ में, तो ही रेवा दो को दिस का, ठीक है। तो वेयर इज़ द टॉयलेट या वेयर इज़ द रेस्ट रूम, ठीक है, दो को, या फिर मैं यहाँ पर दो चीरा भी लिख सकता हूँ, बहुत हार सेम। तोई रेवा दोको देश का या तोई रेवा दोचीरा देश का, ठीक है। तो पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि कहाँ पर है वॉशरूम, तो आसोको देश, दोको में पूछा तो आसोको में आपको रिप्लाई मिलेगा, और अगर आपसे तोई रेवा दोचीरा देश का तो अचीरा देश। लेकिन मैं यही आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई देखो आपके लेवल का पर्सन है तो वो दोको का आंसर सोको कोको सोको असोको इस तरीके से देगा, लेकिन अगर आपसे कोई सीनियर है वो आपसे ऑब्वियसली बात है वो आपको इतनी रिस्पेक्ट नहीं देगा। लेकिन जैसे सपोज़ मान ले कोई जापनीज़ ही आपसे, आपने किसी जापनीज़ से पूछ लिया, भले ही वो आपका मतलब थोड़ा नॉन में हो, थोड़ा जान पहचान हो गई आपकी, और आप उससे पूछ रहे हो कि तो ये रेवा दो को दिस का या दो चिरा दिस का, आपने तो अपनी तरफ से पोलाइट फॉर्म में पूछा कि दो चिरा दिस का, लेकिन वो आंसर आपको इनफॉर्मल वे में भी दे सकता है, यानी कि असोको दिस कोको दिस, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके की चीज़ आपको अपनी तरफ से अपना काम करना है, पूरी ईमानदारी से पोलाइटली बोलना है, और ध्यान रखना इन चीज़ों को तब, स्पेशली जब आप किसी अननोन पर्सन से बात कर रहे हो जापान में, एंड स्पेशली कोई आपके सीनियर से बात कर रहे हो, किसी जापनीज पर्सन से बात कर रहे हो, तो वहाँ पर आप हमेशा कोचिरा सोचिरा अचिरा ही यूज़ करेंगे। तो चलिए, तो इसके बाद हम बात करते हैं जो मैंने अभी थर्ड क्वेश्चन आपको पीछे थर्ड जो उसका पैटर्न था जो बताया था, उसमें दोको और दोचीरा का एक यूज़ बताया था कहाँ के सेंस में। दोको और दोचीरा का अब एक दूसरा यूज़ है, तो आप इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको, क्योंकि आप एज अ बिगिनर जब इसे पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि मुझे भी हुआ था। तो दोको और दोचीरा को आप ये समझ सकते हो, पहला यूज़ हमने प्लेस के लिए यूज़ किया था, दूसरा यूज़ जो है वो हम कर रहे हैं यहाँ पर नाम जानने के लिए। नाम इन द सेंस, जैसे कि मैं अपने दोस्त से पूछ रहा हूँ कि भाई आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से करी। सपोज़ हम कंपनी में हम काम कर रहे हैं, हम एक टीम मेट हैं, मेरा कलीग है, मैं उससे पूछ रहा हूँ कि अच्छा वो चलो ठीक है सारी बात अच्छी है, आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से करी, कौन सी यूनिवर्सिटी से करी है, तो मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि उसने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। तो यानी कि वो बंदा, वो पर्सन जो है वो किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, यूनिवर्सिटी से बिलोंग किया है उसने, ये चीज़ जानने के लिए भी हम दोको और दोचीरा पैटर्न का यूज़ करते हैं नाम जानने के लिए।
अब ये नाम किस इसके हम जान सकते हैं, कंट्री का, कंपनी का, स्कूल का या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आप इसे आराम से देख के समझ पाओगे जब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। दाएगा कुआ दो को दिसका, अब दाएगा कुआ दो को दिसका का मतलब जो अभी तक मैंने बताया वो आपको कन्फ्यूज़ ये करेगा कि भाई दाएगा कुआ दो को दिसका कभी आपसे कोई पूछे तो आप फटाक से बोल दोगे कि मेरा दाएगा कु कहाँ ये पूछ रहा है, तो आप फटाक से उस जगह का नाम बता दोगे। नहीं, रुक जाना भाई, आपको फटाक से नाम नहीं बताना है, ठीक है। दाएगा कुआ दो को दिसका दो चीज़ है, दाएगा कु कहाँ है वो क्या पूछना चाह रहा है, पहले आप उसे समझो, ठीक है। आप ऑब्वियसली आप दिल्ली से हो तो माइट पॉसिबल कि भाई आप दिल्ली से पढ़े होगे, सीधी सी बात है, लेकिन आपका फ्रेंड पूछ रहा है कि आपका दाएगा कुआ दो को दिसका, तो वो हो सकता है कि वो आपसे आप उसकी यूनिवर्सिटी का नाम पूछना चाह रहा है। तो उस केस में आपको जवाब क्या देना है, दाएगा कुआ दो को दिसका का आप जवाब दोगे जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़े हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी दिस, यानी दीयू दिस। कोई और है तो किसी और का नाम लगा सकते हो, नाम लेके दिस लगा सकते हो। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं दो को एंड दो चीरा। अब मैं एक इसका एग्जांपल बना के दिखा रहा हूँ, जैसे आप सिंपली वे में अगर आप ये भी कहो इस सेंस से ये पैटर्न यूज़ करने के बजाय हम ये भी तो कह सकते हैं अनातनो दाएगा कुनो नमाएवा नान दिसका, यही बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, सही भी है, लेकिन बोल सकते हो अपने फ्रेंड से बोल सकते हो। लेकिन अगर आप टॉप लेवल की बात करो, कभी आप किसी सीनियर से बात करो, तो वहाँ पर आप ये पैटर्न बिल्कुल भी यूज़ नहीं करोगे, बिल्कुल रूड फॉर्म है, बहुत ही ज़्यादा रूड है, इम्पोलाइट फॉर्म है, गलती से भी यूज़ मत करना। मैं आपको क्यों ये पैटर्न यूज़ करने के लिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने एक बार इसे हैबिट में ले लिया ना तो आपके मुँह से वही चीज़ निकलेगी। तो बहुत ज़्यादा कोशिश ये करिएगा कि आप दो को एंड दो चीरा ही यूज़ करें जब आप किसी से किसी का स्कूल का नाम, उसकी कंट्री का नाम, उसकी कंपनी का नाम पूछ रहे हो, तो आप उसको दो को या दो चीरा लगा के ही पूछें। खाइशा व दो को दिसका, यहाँ पर वो कंपनी का नाम पूछना चाह रहा है, कंपनी कहाँ है ये नहीं पूछ रहा, कंपनी का नाम पूछना चाह रहा है, तो खाइशा व कुछ भी ले लो, हिताची देश, निप्पोन देश, ओकुनी व दो चीरा दिसका, तो यहाँ पर कुनी का नाम पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने ओ लगाया है, आगे के आपके चैप्टर्स होंगे उसमें आप ओ और गो का यूज़ सीखोगे, अभी नहीं, बहुत एंड में जाके सीखोगे, आई थिंक 25 चैप्टर के बाद में पोलाइट फॉर्म बनाने का तरीका वो हम आगे सीखेंगे। तो चूंकि यहाँ पे दो चीरा पोलाइट था तो इसलिए कुनी को भी पोलाइट बनाया हमने, पूरा सेंटेंस पोलाइट हो गया अभी। ओकुनी व दो चीरा दिसका, तो मीन्स आपकी आपकी जो कंट्री है वो कौन सी है, कंट्री का नाम जानना चाह रहे हैं, तो कंट्री का नाम है इंदो देश, च्यूगोको देश, या फिर ब्राजीरो देश, दोइत्सो देश, जो भी आपकी कंट्री है वो आप यहाँ पर ऐड कर दोगे उसका नाम। चलिए, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो को और दो चीरा के दो यूज़ हमने अब सीख लिए इस पैटर्न के ख़त्म होते के साथ। पहले यूज़ दो को और दो चीरा जो है वो प्लेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है, कोई चीज़ कहाँ है पूछने के लिए, जैसे मैं पूछूँ शात्सु दो को दिसका, मेरी शर्ट कहाँ है, मैं अपने घर में पूछूँ तो कोई भी बता दे, मेरी सिस्टर कह दे कि अशोको देश वहाँ रखी है, या ताना नोनाका देश अलमीरा के अंदर है, तो इस तरीके से प्लेस पूछने के लिए हम दो को दो चीरे का यूज़ करते हैं। दूसरा यूज़ दो को दो चीरे का हम नाम पूछने के लिए भी करते हैं, नाम के भी फिक्स सिनेरियो हैं, कंट्री, कंपनी, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ इन चार केसेस में ही हम नाम पूछ सकते हैं, अदरवाइज और कोई नहीं है। अब तीसरा यूज़ देखते हैं हम जो दोको का ही है, दो चीरा का ही है, फोर्थ पैटर्न के अंदर, नाउन वन नो नाउन टू, ध्यान से समझना इसे आप, यहाँ पर कहाँ और किसके द्वारा, मेन चीज़ है किसके द्वारा, बाय वूम, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ इस पैटर्न के अंदर होता है। मैं आपको बहुत सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ, आप इस चीज़ से समझिए, मेरे हाथ में एक अभी मार्कर है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछें जैसे कि ये मार्कर जो है किस कंपनी का है, ठीक है, तो उसको जापनी से बोलने का तरीका क्या होगा, ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करेगा, बट आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मेरे हाथ में मार्कर है ये तो डेफिनेटली है, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं तो हम ये पूछते हैं कि वो चीज़ कहाँ की है, या फिर हम ये पूछते हैं कि इस चीज़ को बनाया किसने, इसकी कंपनी क्या है, नेचुरल सी बात है हम ये पूछेंगे इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, राइट। तो आपको सेम ये वाला पैटर्न यही बताता है आपको किसके द्वारा, अगर आपको आप मुझसे ये सवाल पूछो कि ये मार्कर जो है किसके द्वारा बनाया गया, या फिर इसकी कंपनी का नाम क्या है, किस कंपनी ने बनाया, ठीक है, तो उस केस में आप कैसे पूछोगे, कोरेवा दोकोनो माका दिसका, कोरेवा दोकोनो, या आप दूरों मिनट से तो सोरेवा दोकोनो माका दिसका। अब आपने दो को पूछा तो इसका मतलब ये नहीं है फटाक से बोल दूँ कि भाई ये तो जो है वो इंडिया का मार्कर है, नहीं ऐसा नहीं है, पता है कि मार्कर है, हम इंटरेस्टेड किस चीज़ में होते हैं कि उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, उसकी कंपनी कौन सी है, सोरेवा दोकोनो माका दिसका, तो जैसे इसके ऊपर नाम लिखा है लक्सर लिखा हुआ है LUXOR, कोरेवा लक्सनो माका दिस, ठीक है, तो लक्सर का मतलब ये हो गया इस जो मार्कर को बनाने वाली जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो है लक्सर, ठीक है,
तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं ये वाला पैटर्न, बाय वोम किसके द्वारा वो चीज़ बनी है ये पूछने के लिए जब हम यूज़ करते हैं, तो दो को यूज़ करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, कोरेवा दो कोनो किताई देस्का, आपका फ्रेंड एक नया फ़ोन लेके आया फॉर एग्जांपल, तो आप ये जानने में इंटरेस्टेड होते हो कि वो फ़ोन किस कंट्री का है, या फिर ये जानने में इंटरेस्टेड होते हो कि वो किस ब्रांड का है। ब्रांड जानने की कोशिश करते हो आप हमेशा, अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है कि यार लुक तो अच्छा लग रहा है, कौन से ब्रांड का है, किसने लॉन्च किया है, कौन सा फ़ोन है, राइट। तो कोरेवा दो कोनो केताई दिसका, जापनीज़ में ये पूछेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोरेवा दो कोनो केताई दिसका, ये दोचिरानो केताई दिसका, जब आप पोलाइट में बोलोगे तो कोरेवा दोचिरानो केताई दिसका, तो इन दैट सेंस कि आप जानना चाह रहे हो कि उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, तो आप जैसे बोल सकते हो चूगो कूरो केताई दिस, यानी कि जो ये फ़ोन है वो प्लेस के केस में अगर आप बता रहे हो किस कंट्री का है, तो वहाँ पर तो आप बताओगे चाइना का है, लेकिन जब मैंने कहा ब्रांड आप जानने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ब्रांड के केस में ओप्पो नो खेताई दिस, यानी कि ओप्पो का ये फ़ोन है, वीवो का फ़ोन है, एप्पल का फ़ोन है, राइट। तो इस चीज़ को आप इस तरीके से समझ सकते हो, राइट। सो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, आई होप आपको ये कोको सोको आसोको ये पूरा पैटर्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक फील फ्री, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा उन लोगों का भी जिन्होंने मुझे अभी इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो किया है, और मुझसे उन्होंने पूछी भी हैं चीज़ें और मुझे कमेंट भी करे हैं। तो सबसे पहले मैं उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे इस कंटेंट में, मेरी वीडियो में इंटरेस्ट लिया। अगर आप लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर के आप मेरे पीछे के जैसे हैं जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग लेवल से कराया वहाँ पर आप जाके वो आराम से अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय।